तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मॉन्स्टर ने टीचेन की पूरी फैमिली और उसके पूरे गांव वालों को मारकर तबाह कर दिया था, जिस कारण से टीचेन ने बदला देने की कसम खा ली थी, जिसके लिए वो एक एकेडमी भी ज्वाइन कर लेता है जहां वो कड़ी मेहनत करके बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट की एंडिंग से ही होती है, जहां टीचेन और ली चेंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दरअसल फर्स्ट पार्ट में मैंने ली चेंग और टीचेन को दोस्त कहा था, जबकि ली चेंग तो हमेशा टीचेन को बुली करता है, जो हमेशा उससे चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि टीचेन उससे हर चीज में आगे है। इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पिछले कुछ सालों तक तो तुम स्टडी और पेंटिंग में लगे रहते थे और लियांग कोर्ट में एक लड़की के साथ कपल ऑफ स्किल को प्रैक्टिस करते रहते थे, जिसे सुनने के साथ सारे लोग हुटिंग करने लगते हैं। ओ कपल ऑफ स्किल। तभी टीचेन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? जिस पर लीचेंग कहता है, जलन? और तुमने से लो लेवल वालों से? फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीचेन उसके सारे मूव्स को मॉन्स्टर के अटैक की तरह देखता है और बहुत केयरफुली उससे डॉज कर उसे दूर जमीन पर पटक देता है। गाइस, ये लीचेंग और टीचेंग दोनों नाम सिमिलर हो जा रहे हैं, इसलिए हम बुली बॉय का नाम गुआन रख देते हैं। अब से हम इसे गुआन ही बोलेंगे। गुआन को नीचे देख बाकी सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, वाओ कितना क्लियर मूव है ये, टीचेन ने तो कितनी आसानी से सीनियर गुआन की कमजोरी पर अटैक किया। और फिर दोनों के बीच शॉर्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है और टीचेन कहता है, मुझे सिर्फ सीक्रेट टेक्निक सीखने में इंटरेस्ट है, तो तुम मुझसे कम्पीट कर सकते हो, मुझे इससे बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे ज्यादा है, मुझे तुमसे फाइट करके अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाएगा। तभी एक स्टूडेंट बोलती है कि ये सीक्रेट टेक्निक क्या है, जिस पर उसके साइड वाला सीनियर कहता है, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? फिर वो बताता है कि प्रैक्टिस के फिफ्थ रिलम में से पहले के चार रिलम, जिसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, इसमें भी कुछ लोग ही सफल होते हैं, वो भी कड़ी मेहनत करने के बाद। यदि कोई फिफ्थ रिलम को ब्रेक थ्रो करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना सीक्रेट मेथड को महसूस करना पड़ता है। अगर वो ये करने में नाकामयाब हो जाता है तो वो हमेशा के लिए बॉडीलेस रिलम में अटक सकता है। वहीं दोनों के बीच अभी भी फाइट हो रही होती है, तभी गुवान वही फाइट के बीच ब्रेक थ्रो करके मेरो वॉशिंग रिलम को पूरा कर लेता है। और टीचेन अब भी मेरा वॉशिंग के मिडिल स्टेज पर ही है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे से सीनियर गुवान को संभाल लेता है और वो बहुत सोच विचार कर अटैक कर रहा होता है। उसका लेवल कम होने पर भी वो बहुत दूर की चीजें के बारे में सोच रहा है, इसलिए हर कोई उस पर हंसता है। गुवान लगातार टीचेन पर हमला करता है, लेकिन टीचेन सभी को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी एक अटैक से टीचेन पीछे हो जाता है। ये देख एक लड़की टीचेन के लिए वरिड होती है। गुआन पीछे से टीचेन पर चिल्लाते हुए अटैक करता है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। इससे पहले कि टीचेन कुछ करता, वहाँ एक एरो आकर गुआन के अटैक को रोक लेता है और टीचेन को बचा लेता है, और जिस कारण गुआन दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं कि ये एरो एक लड़की ने चलाई थी जो अपनी कूल सी एंट्री के साथ यहाँ आ जाती है। ये लड़की लियांग कोर्ट की लियू है, जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी भी है। उसकी एंट्री से चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है। लियू को देखकर सभी शॉक्ड थे, स्पेशल वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की। वो तो काफी जेलस भी थी क्योंकि वो टीचेन को लाइक करती थी, बट टीचेन है कि उसे लिफ्ट ही नहीं कराता। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस फाइट का मेन रीजन ये लड़की ही है। यहाँ पर एक लव ट्रायंगल है, ये लड़की टीचेन को पसंद करती है और इस लड़की को गुआन, तो इसी कारण से गुआन टीचेन से बहुत चिड़ा सा रहता है। जिसके साथ ही लियू टीचेन के पास जाती है, उसे देख टीचेन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर लियू कहती है, अरे यार तुम भूल गए, तुम्ही ने तो कहा था कि हम साथ में घर में तीरंदाजी की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत देर से तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रही थी, मगर तुम तो वहाँ पर आए ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। इस पर टीचेन कहता है, सॉरी यार, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया था। दोनों बहुत अच्छे ही दोस्त लग रहे होते हैं। तभी गुआन टीचेन से कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए लड़की के पीछे छुपने की यही तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है? ये सुन लियू गुस्से में अपनी एरो को उसकी ओर फेंकती है, जिससे गुआन बाल बाल बचता है, लेकिन उसके फेस में एक कट लग जाता है और वो कहती है कि अपना भौंकना बंद करो। ये सुनकर गुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिग ब्रदर क्यू उसे रोक लेते हैं और वो आगे आकर टीचेन से कहते हैं कि 3 दिन बाद डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है और तुमने अब तक अपने सीक्रेट मेथड को नहीं ढूंढा है, और तो और तुम्हारा लेवल यहाँ पर सबसे कम है, तो तुम अपने प्रैक्टिस को लेके इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? बिग ब्रदर जिंगो कोर्ट से बिलोंग करते थे, जिस पर टीचेन कहता है कि आप टेंशन ना लो ब्रदर, मैं सब संभाल लूंगा, 3 दिन बाद हम कॉम्पिटिशन में मिलते हैं। इतना कहकर वो लियू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ग्रीन ड्रेस वाली लड़की टीचेन को आवाजी देते रह जाती है कि तुम उसके साथ कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। बहन, काहे उसके पीछे पड़ी है यार, वो तेको अपनी फियांसे नहीं मानता है। और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। ये देख गुवान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि टीचेन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखो और वेट करो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम किंगवेन यानी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं, जो अपने फादर के पास आकर अपनी एंगेजमेंट तोड़ने को कहती है और कहती है कि मैं इस बुड़बक लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली।
ये हमेशा मुझे इग्नोर करके उस लियू के साथ ही घूमता रहता है, जिस पर उसके फादर उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि देखो यहाँ पर 3 सैंड फैमिलीज है और सारे डोंगिंग मेंशन और हमारे यून फैमिली में कुछ ही लोग बचे हैं, और मैंग फैमिली से रिश्ता होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम इस लियू के बारे में ज्यादा मत सोचो, वो एक जंगली लड़की है। दूसरी तरफ मैंग मेंशन में लियू और टीचेन आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो देखने में बड़ा ही कूल लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं आर्चर क्वीन धरती पर प्रकट हो गई हो। वहीं टीचेन भी कुछ कम नहीं था, वो लियू के सारे अटैक को डिफेंड कर लेता है। टीचेन लियू की आर्चरी से काफी इम्प्रेस होता है और कहता है तुम्हारे तीर अंदाजी में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन लियू मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या फायदा, तुमने तो सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अगर तुम अपना लेवल बढ़ा लेते हो तो तुम्हें बुली नहीं होना पड़ेगा और तुम मुझे हमेशा हरा सकते हो। जिस पर टीचेन कहता है तुम क्या मुझे सीक्रेट टेक्निक से गिव अप करने का कह रही हो। जिसके बाद टीचेन के फादर उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचेन की तो पूरी फैमिली और गांव खत्म हो गया है, तो फादर कहाँ से आ गए? दरअसल जब मॉन्स्टर ने इनके गांव पर हमला किया था तब उसके फादर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो बच गए थे। अब वो लोग खाते हुए कुछ बात कर रहे होते हैं, जहाँ टीचेन कहता है कि डोंगिंग मेंशन का कोई बंदा मेरी ही उम्र में सीक्रेट टेक्निक को सीख रहा था। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम खुद को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, तुम अपने आप को ज्यादा ही पुश कर रहे हो। और वो उसे एक बुक देते हैं और कहते हैं शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर सके। अब हम टीचेन के रूम को देखते हैं जो पूरा का पूरा किताबों से भरा होता है, और वो उस बुक को भी वहीं सेल में रख देता है और कहता है उसे 16 साल के पहले ही सीक्रेट टेक्निक को सीखना होगा, जैसे कि उस डोंगिंग के सेंट ने सीखा है। अब उसके रूम में हम सेंट डोंगिंग की पिक्चर भी देखते हैं और हमें उनकी 30 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जहां वो अपनी जवानी की उम्र में हर वक्त पीते रहता था और नशे में रहता था। जब मेंशन के गार्ड उसकी शॉट देखना चाहते थे तो वो किसी को भी अपने शॉट नहीं दिखाता था, और वो अपने तलवार को पूरा लपेट कर रखता था और कहता था ये तभी निकलेगी जब मॉन्स्टर आएंगे। लेकिन जब एक रात मॉन्स्टर का हमला होता है तो वो अपने शॉट को खोलता है और सारे मॉन्स्टर को एक एक करके काट देता है, और तभी से उसे नंबर 1 शॉट डोंगिंग मेंशन क्यू का टाइटल मिला। तब भी हम उसे प्रेजेंट में देखते हैं जो अभी भी एक नंबर का पियक्कड़ ही होता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। जिसके बाद टीचेन वहाँ वाइन लेके आता है, लेकिन मास्टर उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन टीचेन जाने के बजाय वाइन बॉटल को तोड़ने लगता है। अब ये चीज तो किसी भी शराबी को बर्दाश्त नहीं होगी कि उनकी प्रिय चीजें को कोई ऐसे ही बर्बाद करे, और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब मास्टर कहते हैं कि अगर तुमको सीक्रेट टेक्निक सीखना ही है तो मेहनत करो ना यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। टीचेन इसके लिए उनकी हेल्प मांगता है। दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती लगती है, साथ ही साथ मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसके लिए अपनी माइंड बॉडी को शांत करना होगा और साथ ही साथ बैलेंस बनाए रखना होगा। जिसके बाद दोनों एक जगह पर आ जाते हैं और मास्टर उसे सीक्रेट मेथड को ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उससे पूछते हैं कि जब मन को धोखा मिला हो और पुल पर घना कोहरा हो तो तुम कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे, और फिर वह उसे कंसंट्रेशन का डेमो दिखाते हैं और उनकी स्टिक से लाइट ग्लो करने लगती है, और वो उसे अपनी सीक्रेट मेथड भूस्खलन करके दिखाते हैं। जिसके बाद दोनों थोड़ा फाइट करते हैं, जिस पर मास्टर सोचते हैं कि इसकी शॉर्ट टेक्निक तो अच्छी है, शायद यह बस एक कदम ही दूर है। इसके बाद वह टीचेन से पूछते हैं कि तुम ये क्यों सीखना चाहते हो, जिस पर टीचेन कहता है कि मैं सैन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं गलत, जिस पर टीचेन कहता है कि मैं दुनिया के सभी राक्षसों को मारना चाहता हूँ। इस पर फिर मास्टर कहते हैं कि तुमने फिर गलत कहा। टीचेन फिर कहता है कि अपनी माँ का बदला लेना चाहता हूँ। मास्टर इस पर भी गलत कहते हैं और उसे एक ही अटैक से दूर फेंक देते हैं। टीचेन दोबारा गुस्से में कहता है कि मैं चाहता हूं कि वे सारे लोग मर जाए जिसने मेरी माँ को मारा है, और मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए। इस बार भी वो गलत ही बताता है और बहुत मार खाता है, और मास्टर उस पर फाइनल अटैक करने जाते हैं। तभी टीचेन की पावर अनलॉक हो जाती है और वो अपने सीक्रेट मेथड को ढूंढ लेता है और मास्टर के अटैक को रोक लेता है। फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और अपने गांव में पहुंच जाता है और सीक्रेट मेथड से सारे मॉन्स्टर को मार देता है, और अपनी माँ को याद कर सोचता है कि यह मेरा बदला लेने की ओर सीक्रेट मेथड के साथ फर्स्ट कदम है, मैं एक दिन सेंट जरूर बनूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।